सभी साथीगणों और प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है विकास के बेहद इम्पोर्टेंट एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, और साथ में ही हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेसन से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियोस और क्विज दोनों का लिंक दे देंगे, ताकि आप अपनी पढ़ाई में इस लेसन को मजबूत कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। इससे हमें पता चलता है कि किसी देश का विकास कितना है। विकास का अर्थ है कि जो अर्थव्यवस्था अवनति की ओर जा रही है, उसे उन्नति की ओर लेके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की स्थिति भारत में भारत से मानव विकास के लिहाज में बेहतर है? यहाँ पर हम एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें बताया हुआ है कि श्रीलंका देश है, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, कुछ अन्य देश हैं, और इनमें मानव विकास के लिहाज से, क्योंकि किसी विकास को मापने का सबसे बेहतरीन जो पैमाना है वो मानव विकास माना जाता है, उसमें श्रीलंका की स्थिति जो है सबसे अच्छी है। उसके बाद है विश्व बैंक विकास के लिए देशों का वर्गीकरण करने के लिए क्या मापदंड अपनाता है। हम बात कर रहे हैं कि विश्व बैंक जो पूरे विश्व के लिए काम करता है, उसमें वर्गीकरण करना है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा अल्प विकसित है या विकासशील है, तो क्या मापदंड अपनाता है? प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद है किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? जैसे देशों में हमने बात की श्रीलंका की, भारत की, नेपाल की, पाकिस्तान की, ऐसे ही 3 राज्यों का वर्णन भी इस लेसन के अंदर किया गया है। एक तो है केरल, दूसरा हरियाणा और फिर बिहार। अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो हरियाणा के लोगों की प्रति व्यक्ति आय केरल से अधिक है, लेकिन वहां पर पब्लिक फैसिलिटीज के कारण, केरल में पब्लिक फैसिलिटीज के कारण वहां का मानव विकास सूचकांक हरियाणा से बेहतर है, जबकि बिहार में ना तो प्रति व्यक्ति आय बेहतर है और ना ही वहां पर पब्लिक फैसिलिटीज हैं। इस वजह से बिहार का मानव सूचकांक चिंताजनक है। तो इसी पर आधारित हमारे क्वेश्चंस हैं। किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? हरियाणा। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल, क्योंकि केरल में पब्लिक फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, वहां की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था दोनों बेहतरीन है। और साक्षरता दर किस में सबसे कम है? बिहार में। सबसे अधिक केरल में। किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है? अभी हमने बात की है केरल की। उसके बाद दूसरा आठवां क्वेश्चन है, किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है देशों में? श्रीलंका। किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे कम है? वो है पाकिस्तान। फिर है विकास किसे कहते हैं? किसी भी देश की अवनति की ओर जा रहे समाज को उन्नति की ओर लेकर जाना विकास कहलाता है। फिर है मानव विकास। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 मूलभूत पहलुओं की माप करता है, जिसके बारे में नंबर 1 पे है, लंबा और स्वस्थ जीवन। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीता है और लंबा जीता है, इसका मतलब उसका मानव विकास अच्छा जाएगा। अगर वहां के सभी लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, तो मानव विकास ऊपर उठेगा। और उच्च जीवन स्तर, अगर लोगों के पास अच्छी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाओं के अलावा अच्छी सुविधाएं हैं, तो उनका मानव विकास भी अच्छा होगा। इसीलिए श्रीलंका का मानव विकास हमसे बेहतर है। फिर है प्रति व्यक्ति आय। हमने ऊपर भी बात की थी कि विश्व बैंक देशों का वर्गीकरण करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाता है, तो हमने बात की थी प्रति व्यक्ति आय की। प्रति व्यक्ति आय क्या है कि देश की कुल जनसंख्या को हम भाग देंगे कुल राष्ट्रीय आय से, और जो हमें वहां पर आंसर मिलेगा वो बनेगी प्रति व्यक्ति आय। फिर से रिवाइज करते हैं, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाने वाली आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फिर है आर्थिक विकास क्या है? किसी देश की अर्थव्यवस्था में जब राष्ट्रीय आय के अंदर, राष्ट्रीय आय का मतलब है सारी आमदनी, कुल आय को में जो दीर्घकालीन वृद्धि होती है, मतलब ये नहीं कि आज बढ़ गई कल घट गई, नहीं, बहुत लंबे समय तक जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं आर्थिक विकास।
आर्थिक विकास को कैसे मापा जाता है? देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1951-52 में। जीवन प्रत्याशा से आपका क्या अभिप्राय है? किसी देश के लोगों की औसत आयु जीवन प्रत्याशा कहलाती है। यदि किसी देश में लोग आमतौर पर, अगर औसत आयु किसी की कम हो सकती है, किसी की अधिक हो सकती है, यदि औसत आयु 64 वर्ष, 65 वर्ष या 62 वर्ष आ रही है तो उसे हम कहेंगे कि वहां के लोगों की जीवन प्रत्याशा। उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय का सूत्र, इसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? किसी वर्ष पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु पूरी करने से पहले मरने वालों बच्चों की संख्या के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। एक वर्ष के अंदर मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा होते हैं, उसमें से 10 बच्चे जो हैं वो एक वर्ष की आयु से पहले मर जाते हैं और 10 जो हैं 1 से 2 साल के बीच। तो आप बताइए कि शिशु मृत्यु दर कितनी हुई? 10, ना कि 20, क्योंकि हमें बच्चे लेने हैं जो 1 साल की आयु से पहले पूरे होते हैं। उसके बाद है साक्षरता दर किसे कहते हैं? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का जो अनुपात है उसे साक्षरता दर कहते हैं। 7 साल से कम उम्र का बच्चा यदि पढ़ा लिखा है, अगर वो किसी भाषा का ज्ञान भी रखता है, यदि वो स्कूल भी जाता है, तब भी वो साक्षर नहीं कहलाएगा, क्योंकि कंडीशन है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। फिर क्वेश्चन है, 2001 में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 75.26 और 2011 में 82.14। फिर है 2001 में महिला साक्षरता दर 53.67। उसके बाद है 2011 में महिला साक्षरता दर 65.46। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, अधिकतर किस से संबंधित होता है? आर्थिक समृद्धि। उसके बाद है निवल उपस्थिति अनुपात क्या है? ये बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है और इसे समझने का प्रयास करें। 14-15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ जो अनुपात है उसे हम कहेंगे निवल उपस्थिति अनुपात। मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं जो 14-15 वर्ष तक की आयु के शुरू से लेकर हैं, और उनमें से अगर 50 बच्चे स्कूल जाते हैं, 50 नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब निवल उपस्थिति अनुपात जो है वो 50% है। फिर है गैर नवीनकरणीय संसाधनों का उदाहरण, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, ये वे संसाधन हैं जो बार बार आसानी से नहीं बनाए जा सकते। फिर है आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? आर्थिक विकास से अभिप्राय आर्थिक कल्याण के लिए किए जाने वाले सुधारों से है। इसे बार बार समझने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों। आर्थिक विकास का अर्थ है आर्थिक कल्याण के लिए किए जाने वाले सुधार। ये सुधार उन लोगों के लिए किए जाते हैं जिनकी आमदनी कम होती है। फिर है राष्ट्रीय आमदनी या राष्ट्रीय आय से आपका क्या अभिप्राय है? एक वर्ष विशेष में देश के सभी सामान्य लोगों द्वारा सभी वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से जो आय प्राप्त होती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। सभी वस्तुओं और सेवाओं को देने के बाद जो आमदनी प्राप्त हो रही है उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। फिर है धार्मिकता का क्या अर्थ है? ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को हानि भी ना हो और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके उसे क्या कहेंगे? धार्मिकता। उसके बाद है नवीनकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति हो सकती है, जैसे कि जल, मिट्टी या फिर सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये हमें दोबारा प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए इन्हें नवीनकरणीय कहा गया, बार बार नवे हो सकते हैं। फिर है अनवीनकरणीय संसाधन, वे संसाधन जो वर्षों के इस्तेमाल के बाद खत्म हो जाएंगे और इनकी पुनः पूर्ति भी संभव नहीं है या फिर बहुत लाखों साल लग जाते हैं, तो ऐसे संसाधनों को अनवीनकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कच्चा तेल, कोयला।
उसके बाद है औसत आय से आपका क्या अभिप्राय है। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर जो हमें आय प्राप्त होती है अर्थात प्रति व्यक्ति आय को भी औसत आय कहा जाता है। फिर है प्रदूषण। प्रदूषण का अभिप्राय अर्थ है उद्योग, परिवार, यातायात, कृषि और अन्य व्यक्तियों की उन क्रियाओं से जो हवा, पानी, भूमि और पर्यावरण को प्रदूषित करती है। वे सभी क्रियाएं मानवीय और अमानवीय जो हमारी हवा, पानी, भूमि और पर्यावरण को प्रदूषित करती है। उसके बाद है फुल फॉर्म आपको बतानी है HDI मानव विकास सूचकांक, BMI शरीर द्रव्यमान सूचकांक, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, HPI मानव निर्धनता सूचकांक, IMR शिशु मृत्यु दर, PCI प्रति व्यक्ति आय। इनके अर्थ हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, कुछ के आगे करेंगे। 2017 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी हम डॉलर में, क्योंकि पूरे विश्व की जब प्रति व्यक्ति आय को मापा जाता है तो वो US डॉलर, ये स्टैंडर्ड करेंसी है पूरे विश्व के लिए। तो US डॉलर 1820 प्रति व्यक्ति आय जो है 2017 में भारत की थी। जिन देशों की आय 4,53,000 प्रति वर्ष होती है या उससे अधिक होती है ऐसे देश क्या कहलाते हैं, समृद्ध। उसके बाद क्वेश्चन है हरियाणा में औसतन एक व्यक्ति एक वर्ष में कितना कमाता है, 1,80,174 रुपए। उसके बाद है आर्थिक विकास का संबंध किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। हमने पहले भी कहा था कि वे सभी कल्याण से संबंधित सुधार उन देशों पर लागू किए जाएंगे जिनकी आय कम है। उसके बाद है मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संसार के किस क्षेत्र में कच्चे तेल के भंडार सबसे अधिक हैं, विश्व के मध्य पूर्व भाग में। सौर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है या गैर परंपरागत, तो इसका ऑप्शन है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत जो बाद में बने हैं और जो नवीन करनीय है। वन और जल किस प्रकार की है संसाधन है, नवीन करनीय है। वर्ष 2011 में भारत की साक्षरता दर अब ना पुरुष न महिला, हम कॉमन पूछ रहे हैं, 74.04। विश्व बैंक देशों के वर्गीकरण के लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है, प्रति व्यक्ति आय। संसार के किस भाग में कच्चे तेल के भंडार सबसे अधिक हैं, मध्य पूर्व भाग में। उसके बाद है समृद्ध विकसित देश किन्हें कहा जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय 12,056 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। वर्ष 2017 में भारत का मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान था, 130वां। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय को उनकी करेंसी की बजाय डॉलर में क्यों मापा जाता है, ताकि विभिन्न देशों की तुलना संभव हो सके। निम्न आय वाले देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कीनिया। अधिक आय वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी, सिंगापुर। अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य कैसे हो सकते हैं, भिन्न भिन्न। उसके बाद है किस डैश विकास भावी पीढ़ी से संबंधित है, यहाँ पर आप सतत लिख सकते हैं या धारणीय, दोनों का आंसर सेम है। GDP अधिकतर किस से संबंधित है, आर्थिक समृद्धि से। भारत कैसे आय वर्ग वाले देशों में आता है, मध्य में या निम्न में, हम कहेंगे नॉर्मली मध्य में। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2017 के अनुसार डॉलर 1820। कच्चे तेल के भंडार लगभग कितने वर्षों में खत्म हो जाएंगे, 50 वर्षों में। अल्प बेरोजगारी किस अवस्था में पाई जाती है, जब लोग क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं तब अल्प बेरोजगारी होती है। सामान्यतः किसी देश का विकास सूचकांक किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, किस दे पर आधारित किया जाता है, किसी भी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है कि वहां पर जो लोग हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय और उनका मानव विकास सूचकांक कैसा है। फिर है किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है, केरल का। और कौन सा विकास भावी पीढ़ी से संबंधित है, धार्मिक विकास से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके आगे जाकर काम भी आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।